गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। मैं छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6250 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो इसका 6250 का गुणनखंड करना पड़ेगा अपन को, 6250 का गुणनखंड। तो पहले दो का भाग देते हैं 3125, फिर अपन इसमें 3125, फिर अपन इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 से 5 छिगु 30, 5 दुनी 10, 5 25, फिर अपन 5 का भाग देते हैं 125, फिर 5 का भाग देते हैं 25, फिर 5 का देते हैं 5 और फिर 5 एक। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 2 × 5 × 5 × 5। पूर्ण घन बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या अपन 2 घन, घन बनाने के लिए 3, ये तो पूरा का पूरा घन है और ये 2, 2 एक है तो 2 2 और चाहिए अपन को, 2 2 और 2 5 है तो 1 5 अपन को और चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 5 × 10, 10 × 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट। यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% और 20% की दो कार्मिक छूटों के बाद विक्रय मूल्य का अंतर 84 है, तो अंकित मूल्य याद कीजिए। तो कितना है, एक तो 45% छूट, एक कितना प्रतिशत छूट, 30%, तो 100 में से कितना 70 और 20% 100 में से 80, 0 से 2 0 से 2 0, 100 बराबर 8 × 8 = 56, ये कितना है 44%। ये हो गई 45% और ये हो गई, ये 45% और ये हो गई 44%, 1% का अंतर, 1% का अंतर कितना है 84/1 × अंकित मूल्य 100, 8400। आगे देखें स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, 28 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। उसने यात्रा का कुछ भाग 2 किलोमीटर प्रति हावर से पैदल चाल से चलकर तथा शेष भाग 6 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलकर तय किया। पैदल चाल से चलकर तय की गई दूरी, यात्रा का आधा कुछ भाग मतलब x/2 प्लस 28 माइनस x/2 बाकी का 6 की स्पीड से कितने घंटे में, 8 घंटे में, तो हो जाएगी 2 इसका 6 का एलसीएम किया जाएगा 3x + 28 माइनस x बराबर 8, तो ये हो जाएगा 3x + 28 माइनस x बराबर 48, 2x + 28 बराबर 48, x बराबर 10। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 है, दुकानदार ने इसे 20% लाभ कमाया, मतलब 100 से कितने में बेचा दुकानदार ने, 120 में, तो खिलौने का क्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य 540 और वैसे कितना प्रतिशत में 120 × 100, 0 से 0, 6 से 6 × 12, 6 से 9 बार, तो 900/2, 900/2 बराबर 450। आगे देखें स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन। तीन कारों की चालों का अनुपात 5, 6 और 10 है, उनमें से प्रत्येक कार समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात हो जाएगा 5:6:10 है, तो समय का अनुपात 6:60 और अनुपात 50:6:30, 6:30, 6 5 से 5 से 12 बार, 5 से
10 बार और 5 से 6 बार, 12:10:6। आगे देखे स्टूडेंट्स, 6वां क्वेश्चन, 352 सेंटीमीटर लंबाई और 100 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार क्षेत्र में लगने वाले 10 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो 352 इंटू 100 बटा 10 इंटू 8, 0 से 0, 8 से 8 चौक 32, 8 चौक 32, 44 इंटू 10, 44 इंटू 10 मतलब 440। आगे देखें स्टूडेंट्स, 7वां क्वेश्चन, 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में से अंतिम 3 का गुणनफल 7429 और पहली 3 का गुणनफल 4199। तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो एबीसी, ए इंटू बी इंटू सी बटा बी इंटू सी इंटू डी बराबर कितना है? इसका तो है 7429 बटा 4199। 7429 बटा 4000, तो ये चला जाएगा 13 बार, ये चला जाएगा 23 बार, 23। तो इसमें अभाज्य संख्या 13 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23, तो सबसे छोटी तो 13, ये तो होगी स्मॉल, ये होगी एल लार्ज, लार्ज। आगे देखें स्टूडेंट्स, 8वां क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां ए और बी नामक स्टेशनों से चलना शुरू करती है और एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति आवर और 70 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से चलती है। उनसे मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की तुलना में 100 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी है। ए और बी की दूरी, तो एक की स्पीड कितनी है 60 और बी की कितनी है 70, तो 100 किलोमीटर अधिक। तो 100 किलोमीटर कितने की चाल से? 10 की चाल से, तो कितना घंटा चली? 10 घंटा। तो इसकी 60 प्लस 70 बराबर 60 प्लस 70 130 इंटू कितने घंटे? 10 घंटे, 1300 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर ए और बी की बीच की दूरी 1300 किलोमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन, 6 और 20 का लघुतम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। तो 6 और 20 का फैक्टर, तो 2 से 3 और 10, तो इसका LCM, LCM में आ जाएगा 2 × 3 × 10, LCM आ जाएगा इसका 60 और HCF, HCF आ जाएगा इसका ओनली 2। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 40 बच्चों पर किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि 25% बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद है, कितने बच्चों ने फुटबॉल खेलना पसंद नहीं है? तो 40 बटा पूरे कितने 100, प्रतिशत को में कितने 75% को नहीं है, तो 25 × 75 25 चौक 100, 4 से 40 10 बार, 10 × 3 बराबर 30। आगे देखें स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, जब 0.434343 को भिन्न के रूप में परिवर्तित कीजिए, तो इसका रूप है 0.43 के ऊपर बार, तो 43, जितनों के ऊपर बार है उसका आ जाएगा 99, तो 43/99। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, अनीता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5000 रुपये का ऋण लेती है, एक वर्ष की समाप्ति के बाद उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 20 से 20, 15 × 5, 15 × 50, 15 × 75, 750 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, एक संभव त्रिभुज का परिमाप 36√3 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। परिमाप, परिमाप कितना है? 36√3, तो इसकी भुजा ए बराबर हो जाएगी 36√3/3, तो भुजा हो जाएगी ए बराबर 12√3, ए बराबर 12√3, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाती है √3/2, ऊंचाई हो जाती है √3/2 इंटू भुजा, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू भुजा, तो √3/2 इंटू भुजा कितनी है 12√3, तो 2 से 6
बार, 6 × 3 = 36 = 18, 36 = 18। आगे देखें स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 7 सेमी और 8 सेमी है, इन दोनों भुजाओं के बीच बने कोण का माप 60 है, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा की लंबाई तो कोण कितना है 60, तो ए बी सी, ए ए बी सी, ए ए ए बी सी, ए बी और सी, ये कितना है, एक है 8, एक है 7, ये कितना है 60 का कोण है, 60 का कोण इन बीच कितना है 60 का कोण है, तो ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 90 का, ये हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा 90 का, तो ये 8 सेमी है, तो ये 4 और ये 3, तो तीसरी भुजा की, तीसरी भुजा की 8 × 64, 4√3, 4√3, 4√3। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 850 और उनका महत्तम समप्रत्यय 25, इनके युग्म संभव है, तो योग कितना है, x प्लस वाई का एलसीएम, x प्लस वाई बराबर कितना, x प्लस वाई बराबर 850, x और y का एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना, x और y का एलसीएम कितना 25, तो हो जाएगी संख्या 25x प्लस 25y बराबर 850, तो x प्लस y बराबर 34, x प्लस वाई बराबर 34, तो x बराबर 9 और y बराबर, x बराबर 9 और y बराबर 25, x बराबर 9 और y बराबर 25, तो उनका युग्म, तो युग्म होगा, तो युग्म है 9 और 25, 9 × 25 बराबर 225, 225 एक्स और वाई, ये एक्स बराबर, ये वाई बराबर हो गया कितना 25 × 25 बराबर, 25 × 25 बराबर 625। आगे देखें स्टूडेंट्स, 16वां क्वेश्चन, एक घनाभाकार कक्ष के आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है, कमरे की छत सहित सभी दीवारों को पुताई में कुल खर्च ज्ञात कीजिए, यदि पुताई का खर्च 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो, तो घनाब का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 × 4 और 12 + 8 बराबर हो जाएगा कितना 2 × 4 × 20, 2 × 4 × 20, तो 20 × 80 और 160, कमरे की छत हो जाएगी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 12 × 96, तो हो जाएगी 160 + 96 बराबर, 160 + 96 बराबर 256 × 5, 256 × 5, ये हो जाएगी 1280 रुपया। आगे देखें स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन, सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी जिसके मूल्य पर में 12% जीएसटी शामिल था, जीएसटी जोड़े जाने से पहले वस्तु का मूल्य, तो 784/112 × 100, 12 × 7 पहले मूल्य कितना था 700 रुपया। आगे देखें 18वां क्वेश्चन, एक बैग में 3000 रुपये, 5x + 8x + 5x + 8x अनुपात बराबर 10x, तो हो जाएगा 5 150 और 10,
100 वाले कितने हैं? 5, 50 वाले 8 और इसके 10, तो ये हो जाएगा कितना, 10, 400, 500 और 100, कितना रुपया, 1000। और कितने रुपए हैं पूरे, 3000 बटा 1000, 3 0 से 3 0 तीन, तीन तो किसके, 50 के, 8 × 3 8 3 24, 24 नोट। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 66 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 भाग 66, 9999 भाग 66, एक बार चला जाएगा कितना, 66, 3 3 ऊपर से 9, 66 × 66 × 36 का 6 3, 36 और 3 39, ये जाएगा 66 × 5, 66 × 5, 5 × 30 3 56 30 और 3 33, 330 ऊपर कितना, 9 और 9, एक बार चला जाएगा इससे और 5 बार और फिर एक बार और, तो 66 कितना माइनस करना पड़ेगा, 33, तो 9999 माइनस 33, तो 6 6 6 6 9 9 9966, 9966। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, यदि 4% चीनी युक्त 8 लीटर विलयन को उबालने पर 2% वाष्पित हो जाता है तो शेष विलयन में चीनी की मात्रा 8 लीटर में, 8 लीटर का मतलब 8000, इसमें कितना, 4% मतलब 320 तो चीनी हो गई, और पानी कितना हो गया, 7680, 7680 7680 की जगह 2 लीटर उबाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 320 लीटर, 320 ग्राम चीनी हो जाएगी और 6000 ग्राम पूरा विलयन हो जाएगा, तो 3 0 से 3 0 32 बटा 6, 6 5 30 और 6 3 18, 6 3 18 तो हो जाएगा 6 3 18 5.33%, 5.33%। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, 10,000 की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, 2 वर्ष पश्चात इसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, 20 से 20, 15 × 30 3000 रुपया, तो ब्याज हो गया, राशि कितनी थी 10,000, 10,000 प्लस 3,000 बराबर 13,000 रुपया। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।